मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, खदान लूटने वाली सरकार इस्तीफा दो, खन लूटने वाली सरकार इस्तीफा दो के नारा लगाया गया। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा, झारखंड पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बावरी ने कहा कि झूठे वादों के बल पर सत्ता में आई यह सरकार जनता के कल्याण की जगह अपनी जेब भरने में लगी हुई है। नियोजन नीति का नहीं बनना, स्थानीय नीति पर जनता को गुमराह करना इस सरकार की नियति है। ये 5 लाख नौकरियों का बेरोजगारी भत्ता का, उससे ये फेल होती दिख रही है और एक फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर, एक फेक सर्वे के आधार पर यह इस बात को लेकर के आने के चाह रही है, अपना फेस सेव कराना चाह रही है, अपनी गलती को छुपाना चाह रही है कि राज्य की जनता के युवा के मतों के अनुसार वो लेकर के आ रही है। आने दीजिए फिर इसका कच्चा चिट्ठा। ये बाहरी भीतरी और लोकल, बाहर का बात करता है, झारखंडी की बात करता है। ये झारखंड को सिर्फ लूटने के लिए सरकार बनी है। आप देख लीजिए कि झारखंड में ये बोलते हैं कि हम झारखंडी हैं। आज जितना कोयला लूट, बालू लूट, एक भी झारखंडी लोग को उसमें शामिल किया गया है। लूटना भी है तो झारखंडी लोग से लुटवाओ, बाहरी लोग से लुटवा रहा है, झारखंडी लोग का बदनाम कर रहा है कि हम झारखंड के हित में काम कर रहे हैं, हम नियोजन नीति के काम कर रहे हैं, 1932 पर काम कर रहे हैं। इस सब पर काम नहीं, सिर्फ झारखंड को लूटने पर कोयला बालू, चलिए मेरे यहाँ हम प्रमाण के साथ देंगे, अगर नहीं देंगे तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। जितना बीसीसीएल में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वहाँ पे अवैध माइनिंग के दौरान इनके सरकार के जो दलाल लोग हैं वहाँ पे उनके लोग कर रहे हैं वहाँ पे, और हम पर झूठा मुकदमा कर रहा है वहाँ पे कि जो आवाज उठाता है उस पर झूठा मुकदमा कर रहा है। तो ये स्थिति बना हुआ, निश्चित तौर पर न्यायालय पर तो ही भरोसा, सरकार पर भरोसा रह गया क्या? 15 मुकदमा झूठा मुकदमा डालकर हम यहाँ नहीं, हैदराबाद में फिर भी केस, दिल्ली में है वहाँ पे केस, हम घर में नहीं वहाँ पर केस, हमारे भाई पर केस, मतलब तरह तरह का मुकदमा कर रहा है। इसलिए सरकार रहने के लायक नहीं है और आज से ही बहुत जल्द उल्टा गिनती स्टार्ट होने जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।